Welcome back to my channel, it's your girl Shai Sharma. So guys, I'm back with another weird food combination part 2. So hopefully कि आपको वीडियो पसंद आए. So let's get into the video. I'm back with my fourth जो भी है उस food combination के साथ मैं आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे अपने प्यार का कत्ल कर दिया है जो है मैगी. लाइक इन सीरियस नोट, मैगी और दूध. स्मेल इतनी बुरी नहीं कर रहा, देखने में इतनी बुरी लग रही है. अगर आप यहाँ होते ना तो समझ आता कि ये कितनी बुरी लग रही है. और अब मैं इसे खाने आ गई. पहले दूध ने तो बहुत बुरा झटका दिया. ये कितना झटका देगा देखते हैं. नहीं करना. बैड यार, इतनी बुरी नहीं लग रही. ऐसा लग रहा है मैगी के अंदर आपने क्रीम डाल दी है, वैसी लग रही है. और मेरे को मैगी बहुत पसंद है, नहीं लग रही है बुरी. और ये गैनो डाल सकता आप इसमें और चीजी पास्ता बन जाएगा. जैसे चीजी मैगी बन जाएगी, चीजी पास्ता बनाते हैं व्हाइट सॉस पास्ता, मैगी पास्ता बन जाएगा ये. तो आई प्रिटी लाइक इट और मैं इसे दूंगी 6 out of 10 दूंगी मैं इसे. नहीं यार, 6 ज्यादा कम है, 7 and half लाइक. हाँ, ऐसी रेटिंग दूंगी मैं. और आई लाइक इट. जो जो खाता है वो कमेंट करके मेरे को बताना कि किस किस ने ट्राई करी है. और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पे. बोलने वाली थी दोबारा हैक्स की इतनी आदत पड़ी है. नेक्स्ट फूड कॉम्बिनेशन पे लेट्स गो. तो मेरे 6 वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास है यहाँ पे दोबारा अगेन माय फेवरेट केचप एंड माय फेवरेट माय लव मैगी. जो दोनों को मैं मिलाने वाली हूँ. अब दोनों को मिलाने के बाद कैसा लगेगा. औरों को ये बहुत साउंड ग्रोस करता है, ग्रोस साउंड करता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इज साउंड दैट ग्रोस. मिल्क एंड मैगी इज साउंड सो मच ग्रोस. अरे कहना क्या चाहते हो. वाह, क्या बोल रही हूँ मैं. मैगी और मिल्क ज्यादा ग्रोस साउंड करता है केचप. और इससे तो मेरे को पसंद आया. तो आई गेस आई लव द कॉम्बिनेशन आल्सो. हाँ, मेरे होंठ पे लग गई, मेरे होंठों की ना वाट लग रही है, पता आपको. और मैंने ये अच्छे से मिला दिया. एक ही साइड पे मिलाई है पूरी, उसमें नहीं मिलाई है. बिकॉज अगर मेरे को पसंद नहीं आई तो मैं खा सकूं. और मैं अच्छे से मिलाऊंगी एक स्पून में. ओ मम्मी, अभी मैं मैगी गिरा देती, पता आपको पूरी. इसमें भी है अंदर. नाउ नहीं, 5 ठीक ठाक है यार. 5 दूंगी मैं इसे 10 में से, क्योंकि आई लव केचप. मुझको केचप का टेस्ट वैसे पसंद आता है और केचप का टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो मैगी के टेस्ट को मार देता है. लाइक अच्छे से मार देता है, खचाक. जैसे बाहुबली में बाहुबली को आई गेस मार दिया था, मेरे को याद नहीं कटप्पा ने, है ना. तो वैसा ही
मार दिया है इस केचप ने इस मैगी के टेस्ट को। तो अब हम ज्यादा कमेंट ना करते हुए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट और फाइनल फूड कॉम्बिनेशन पे। फ्रेंड्स, फॉर दिस लास्ट फूड कॉम्बो मेरे को इसके लिए चाहिए बटर। हियर वी हैव अवर बटर एंड लास्टली वी नीड सम शुगर। वैसे मेरे को लगता नहीं कि इतना वियर्ड है, अगर आपको लग रहा है कि वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन भी नहीं आता तो मैं आपको यहाँ दिखा, देखो ये वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन की लिस्ट में ही था तो मैंने वहीं से उठाया है ना। और वन मोर थिंग, वी नीड सम शुगर और जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है एक्चुअली शुगर करूंगी। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको जैसे हम जब केक बनाने के लिए शुगर और इसको शुगर और बटर को मिला के एक स्मूथ फॉर्म टाइप बनाते हैं केक बनाने के लिए, वैसा सा कुछ क्रिएट करना तो मैं उसे क्रिएट करके ला करती हूँ। सो हियर वी क्रिएटेड अवर बटर फॉर्म। इतना अच्छे से क्रिएट नहीं हुआ है लेकिन शुगर और बटर का फोम टाइप क्रिएट हो गया। और यहाँ पे मेरे पास ब्रेड है जिससे हम सैंडविच की तरह स्प्रेड की तरह फैलाएंगे और खाएंगे। मेरे को पता नहीं ग्रोस क्यों लग रहा है, आई फील ग्रोस टाइप फीलिंग से आ गया बट इट्स ओके। Not that bad. It's actually good. मुझे समझ नहीं आया वो weird food combination आया कैसे, क्योंकि मेरे को it's actually good यार। So far मैं इसे 10 out of 9 देती हूँ। Nothing goes 10. सब चीज अपनी अकेले अकेले 10 है, कोई मिलके दो चीजों को मिला के कोई भी 10 नहीं बना। So far this is 9. Not 10, I like it. So, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल में कमेंट करना। मत भूलना कि आपको क्या चीज पसंद आई। और यार मेरे को अगली वीडियो के लिए कोई आइडिया भी दे दिया करो, नहीं तो मैं आपकी सब कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। और गाइस मैं एक स्पेशल बात बताना चाह रही हूँ, अपना मेरा वियर्ड फूड कॉम्बो है कि मैं सॉल्टेड पीनट और केचप को एक साथ खाती हूँ। ये मेरा वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन है, आप सबका होता है। आप मेरे को अपना वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन बताना कमेंट में। और अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।